guys, this is Sanat and welcome back to the channel. ये Rush to Max Day 6 है और इसमें मेरे पास मतलब बिल्कुल full loot है, बिल्कुल full. मतलब almost full कर दूँगा मैं. 78 लाख मेरे पास gold है और 68 लाख मेरे पास elixir है और dark elixir 1,99,000 और मेरे पास treasury में 8,14,000 gold और elixir है और dark elixir 20,000 है. और मेरे पास season challenges के rewards में भी काफी कुछ है. मेरे पास है उसमें 16,000 dark elixir और 15,00,000 elixir, 15,00,000 gold, 12,000 dark elixir और 10,00,000 gold. तो आज मैं major upgrades करने वाला हूँ, तो आखिरी तक देखना ना भूलिए ये वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. तो इसमें मैं स्टार बोनस लेने की कोशिश करूँगा. आज मैं आपको दिखा देता हूँ. 4 पे का 10 बोलर, 4 हीलर्स और 6 विजर्ड. तो स्पेल्स में मैंने लिया है 2 हील स्पेल, 2 रेज स्पेल और 3 फ्रीज. भी बढ़ते अपने अटैक की तरफ. यहाँ पे पेस्ट मिला है लेकिन आसान भी है यार, लेकिन इसमें लेजर उतना है नहीं. तो अगले बेस में ट्राई करेंगे. हमें ज़्यादा लूट चाहिए, 3,00,000 से ज़्यादा ना चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए वरना वो बेस नहीं लेते. तो यहाँ लूट मिल गई है, मतलब यहाँ पे बेस मिला है बहुत मस्त वाला. इस पर अटैक करेंगे. क्वीन बॉक्स स्टार्ट करना है. कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे आर्चर क्वीन और 4 हीलर्स. यहाँ पे बारबेरियन किंग, 1 विजर्ड और 2 विजर्ड. सही चल रहा है, बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहा है अटैक. एक्सपो तोड़ दिया एक. यहाँ पे बारबेरियन किंग की एबिलिटी, 1 विजर्ड. इधर एक विजर्ड भेज देता हूँ. अरे यार आर्चर की मर कैसे गई आर्चर की? चलो कोई नहीं, तो काम करते हो. इधर एक जगह भेजता हूँ और हाँ एक जगह बाकी है और इधर एक वॉल्ड है. इधर 2 बॉलर भेज देता हूँ और इधर फिर पैका भी भेज देता हूँ. फिर बाकी सारे बॉलर भी इधर ही भेज देता हूँ और पीछे वार्डन और 2 विजर्ड यहाँ पे और 1 रेज. यहाँ पे हील नंबर फ्रीज. बढ़िया सही चल रहा है अटैक. यहाँ पे एक फ्रीज, यार थोड़ा लेट हो गया लेकिन चलो कोई. एक हील, यहाँ पे एक हील, इधर एक रेज. बढ़िया अभी वार्डन एबिलिटी बची है और एक फ्रीज और एक रेज बचाए सीसी का. यहाँ पर एक फ्रीज कर देता हूँ. सही चल रहा अटैक. पर यार ये लोग टाउन हॉल क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे यार ये उल्टा क्यों जाता है हमेशा? देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे. हाँ अब जा रहे हो टाउन. अरे यार अभी भी नहीं जा रहे. हाँ अब जा रहे हैं. एक रेज का देता हूँ और बॉर्डर की अवेलेबिलिटी थी कि उस पर काफ़ी हेल्थ काफ़ी कम हो गई है. अच्छा 2 पैक आए वहाँ पे, मुझे नहीं पता यार, मैंने देखा ही नहीं. चलो कोई नहीं, सही चल रहा है. ये एक्सपो निकल जाए ना तो सही होगा. तो थोड़ा एक हिट. हाँ बढ़िया एक्सपो तो निकल गया बट और लूट मुझे नहीं लगता कि वार्डन ले पाएगा. बट काफ़ी लूट तो ले लिया और 3-4 हो गया तो सही है. ए यार अरे वार्डन का डैमेज इतना कम है. वैसे सही है, वैसे 5 लेवल का तो वार्डन है तो डैमेज तो कम ही होगा. अब मुझे नहीं लगता एक और परसेंट होगा कि टीम कॉर्नर टावर वार्डन को मार रहा है और उसकी बैंड बच रही है, उसकी हेल्थ भी कम हो रही है. तो 54 वो एक और परसेंट ले लिया है. 55% तक गया ही हमारा अटैक और
गोल्ड मिला 1,98,000 और एलेक्सर मिला 4,46,000 और मेनली तो एलेक्सर चाहिए क्योंकि गोल्ड काफ़ी बचा है। सही, अब सेम आर्मी के साथ ये अटैक करना है। तो बढ़ते अब अपने सेकेंड अटैक की तरफ। आर्मी सेम है तो अभी बढ़ते हैं। इसमें भी हमें कम से कम 3,00,000 वाली लूट चाहिए। गोल्ड भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसमें थोड़ा कम है इसलिए ये नहीं लिया हमने। और ये हमें 3-star करना है, इसलिए हमें 3-star करेंगे तभी 4 बोनस मिलेगा। ये तो मैच खेल सके तो इस पर नहीं करते। इस पे गोल्ड काफ़ी कम है और एलेक्सर भी इतना कुछ खास है नहीं, 3,00,000 ही है इसलिए हमने इस पर नहीं किया। यार कोई धक्का भी ऐसी नहीं मिल रहा है जिसमें लूट है। इस पर 3-star कर लेंगे लेकिन गोल्ड कम है। यार कोई बेस नहीं मिल रहा है, जो बेस मिल रहा है वो इतना अच्छा मिल रहा है और ज़्यादा टावर वाले का मिल रहा है। अब अभी काम करते हैं यार, लूट कितनी चलो मिल गया। जैसे मैं बोलने आया था कि थोड़ा 4 से करूँ यहाँ से मिल गया। यहाँ पे 8-3 4 विंडोज। यार इस बार मुझे कुछ किसी ने सीख नहीं मिलती। सब सही चल रहा है, मेरे कॉलेज और इधर एक फीस डाल देता हूँ। बिल्कुल सही चल रहा है डाक और भी सही चल रहा है। अभी एक फीस डालेंगे इंफॉर्मल आवर पे भैया, इधर एक फील डाल देता हूँ। सही है तीन मार दे यार। वार्डन डालना तो मैं भूल ही गया यार, क्या 3-star नहीं होगा। वार्डन पहले से डालते तो बेटर होगा। चलो कोई नहीं, 3-star नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी हिट करने वाला हूँ। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी बिल्कुल बेस साफ कर दिया है, बस एक इंफर्नो टावर ही बचा हुआ है उनका। और मेरे कितना, मेरे 3 पैसा बचा है तो हो सकता है अभी भी जीत जाए। यहाँ पे मेरे को सिर्फ 5K बोलर से जो CC से मिला मुझे। सही चल रहा है, हो सकता है कि 3-star हो जाए क्योंकि मेरे पास सभी कितने पैसा बचे, असली में 4 पैसा बचे हैं। मतलब मेरा 1 भी पैसा नहीं मारा है, बस उनका इन्फर्नो टावर ही डैमेज कर सकता है और कुछ। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है 3-star अटैक अगर बोलर्स मारे इन्फर्नो टावर को। यार चलो कोई नहीं, बोलर मार तो रहे हैं इन्फर्नो टावर को, मेरे ख्याल से हो जाएगा 3-star। हाँ हो जाएगा, हाँ अब तो हो जाएगा 3-star। चलो चलो यहाँ पे लूट मिल गई है, ट्रॉफीज भी 33 मिल रही है और यहाँ पे 3-star लूट है 3,00,000 गोल्ड और एलेक्सर और 33 ट्रॉफीज। यार और मेरे को ट्रॉफीज चाहिए वैसे भी, तो मुझे अभी लोअर लीग नहीं रहना। तो यहाँ पे स्टोर बोनस 4 बोनस मिल गया है। तो अब हम करेंगे कुछ अपग्रेड्स, मैं बस काम करता हूँ, ट्रेजरी से सब कुछ निकाल देता हूँ। चलो यार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्टोरेज बिल्कुल फुल है, बढ़िया। अब
अब क्या अपग्रेड करने। हाँ अब आर्मी कैंप अपग्रेड करूँगा। मैंने पहले से सोच रहा था आर्मी कैंप अपग्रेड करने, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्मी कैंप। एलेक्सर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और मैंने पहले से सोचा हुआ है कि हम वॉल्स अपग्रेड करने वाले हैं, सारा गोल्ड ख़त्म कर देंगे, जो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कर रहा हूँ मैं वॉल्स अपग्रेड, और 30 लाख बचा गोल्ड। बढ़िया, एक सेकेंड यार, मुझे एक और, हाँ एक और वॉल अपग्रेड कर दिया और मेरे पास गोल्ड हो गया इसलिए। और अब मैं करूँगा एक कोल्ड स्टोरेज अपग्रेड। तो मतलब भाई मैंने अपने सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए सिर्फ एक वीडियो में, एक वीडियो मतलब बिल्कुल फुल रिसोर्सेज थे, सिर्फ डार्क एलेक्सर है जो ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पर जब मेरा इलेक्ट्रोजार मिल जाएगा, मैंने अपने प्लान वॉर लीग मेडल से ये ख़रीदा हुआ है हैमर ऑफ फाइटिंग, उससे मैं शायद हीलर अपग्रेड करूँ, क्योंकि 14 दिन का अपग्रेड है हीलर, काफ़ी बड़ा है इसलिए शायद हीलर। और हीलर मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्पीड वॉक में तो अच्छी लगती है इसलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।